गाजा पर इसराइल के बीच जारी जंग के बीच इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया। इस्माइल हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया था। हालांकि हानिया को इसराइल ने ही मारा है, इस पर उसकी तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इसराइल पर हुए हमले के बाद इसराइल ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया समेत अन्य बड़े नेताओं को मारने की कसम खाई थी। ऐसे में इस हत्या के पीछे कई हद तक इसराइल का हाथ माना जा रहा है। वहीं हमास ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह हानिया के तेहरान स्थित घर को उड़ा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमास ने इस हमले के लिए इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। हमास ने बताया कि हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने तेहरान पहुंचा था। समारोह मंगलवार को आयोजित हुआ था। हानिया की मौत के बाद ईरान और तुर्की जैसे देश भड़के हुए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि इसराइल को उसके लिए कठोर और दर्दनाक सजा दी जाएगी। ईरान ने हानिया की हत्या के बाद इसराइल पर हमले की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हानिया की हत्या का बदला लेना ईरान का फर्ज तक बता दिया है। दूसरी तरफ हानिया की मौत के बाद तुर्की भी भड़क उठा है। तुर्की ने हमास प्रमुख की मौत की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इसराइल के इस हमले का मकसद गाजा में चल रहे युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ाना है। तुर्की ने हानिया को शहीद तक करार दिया है और कहा है कि अपनी मातृभूमि में शांति से रहने के लिए शहीद हुए लोगों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। कथित तौर पर इसराइल ने हमास की पॉलिटिकल विंग के मुखिया जिस पर इस्माइल हानिया को मारा है, वो हमास का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चेहरा था। 62 साल के इस्माइल हानिया लंबे समय से इसराइल के निशाने पर था। उसकी हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब इसराइल की ओर से गाजा पर लगातार हमले जारी हैं और गाजा को लगभग शमशान में तब्दील कर दिया गया है। आखिर हानिया हमास की टॉप लीडरशिप में कैसे शामिल हुआ, तो इसकी कहानी भी बेहद ही दिलचस्प है। इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा के पश्चिमी इलाके में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। गाजा में ही उसका लालन पालन हुआ और यहीं उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अरबी साहित्य की पढ़ाई की और यहीं से उसका रुझान इस्लामिक आंदोलनों की तरफ बढ़ गया। साल 1993 में हानिया गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय का डीन नियुक्त किया गया। अब तक हमास की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। हमास यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिसकी स्थापना साल 1980 में शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास की स्थापना ही इसराइल के खिलाफ विद्रोह के लिए हुई थी और यही इस संगठन का मुख्य मकसद भी रहा। हमास ने 1988 में घोषणा की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए की गई है। हमास ने अब तक कई बार इसराइल पर हमला किया, जिसमें कई आत्मघाती हमले भी शामिल हैं। मौजूदा समय में हमास फिलिस्तीनी का सबसे शक्तिशाली संगठन है। गाजा पट्टी पर उसी की सरकार चलती है। हमास ने 2006 में गाजा पट्टी पर तख्ता पलट किया। 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। यहीं से हमास इसराइल पर हमला करता है। हमास भले खुद को क्रांतिकारी संगठन मानता हो, लेकिन इसराइल इसे आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर और रूस साथ ही कई ऐसे देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं हैं। हमास के संस्थापक अहमद यासीन को साल 1997 में इसराइल ने रिहा किया था। इसके बाद हानिया उसका सहायक बन गया। समय के साथ दोनों के रिश्ते बेहद मजबूत होते चले गए और इसी वजह से हानिया का हमास के भीतर कद काफी बढ़ गया। अहमद यासीन को 2004 में उस समय मार गिराया गया जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा था। इस तरह हानिया हमास में प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित हो गया। हालांकि हानिया को 1979 में इसराइल ने कैद कर लिया। वो 3 साल कैद में रहा। 1992 में हमास के कई नेताओं के साथ उसे भी मार्ज अल जहूर निर्वासित कर दिया गया। इजरायली सेना गाजा से लौटी और उसके बाद 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव हुए, उसमें हमास जीत गया। हानिया 16 फरवरी 2006 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। हालांकि एक घटनाक्रम के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। हानिया के हाथ से पीएम पद चला गया, लेकिन उसने कहा कि भले ही उनकी सरकार नहीं रही हो, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपने दायित्वों को निभाना हमास नहीं छोड़ेगा और गाजा में उनकी सत्ता बनी रहेगी। हानिया ने राष्ट्रपति के इस आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया।
और फिलिस्तीन सरकार से अलग होकर हमास के गाजा पट्टी पर लौटकर अपना शासन चलाने लगा। इस तरह से हमास और गाजा पर हानिया का कब्जा मजबूत होता चला गया और 6 मई 2017 को वो हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो चुन लिया गया। लेकिन इसके अगले ही साल 2018 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हानिया को आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके बाद पिछले कई सालों से हानिया कतर में रहने लगा। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से हमास का पक्ष रखने लगा। अब तक इसराइल हानिया को निशाने पर लेने लगा था। हमास के खिलाफ इजरायली हमलों की चपेट में हानिया का परिवार भी आने लगा था। इसी साल अप्रैल महीने में इजरायल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करके इस्माइल हानिया के 3 बेटों को मार गिराया था। तब इजरायल की ओर से कहा गया था कि इस्माइल के 3 बेटे गाजा पट्टी में किसी बड़े आतंकी गतिविधि को अंजाम देने जा रहे थे। हालांकि हानिया ने इसराइल के इस दावे को खारिज कर दिया था कि उनके बेटे हमास के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद भी हानिया मजबूती से हमास के लिए लड़ता रहा। हानिया ने शनिवार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शनिवार 2 दशक से ज्यादा लंबे समय से इजरायली जेलों में रह रहा था और हमास का एक प्रमुख नेता भी है। फिलहाल हानिया कतर की राजधानी दोहा में शान और शौकत से रह रहा था और वहीं से हमास की अगुवाई भी करता रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हानिया की कुल संपत्ति लगभग 16,000 करोड़ रुपए के बराबर बताई गई है। दोहा में उसके पास एक पेंट हाउस है जिसकी सुविधाएं किसी 5-स्टार होटल जैसी हैं। 25 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई गई। इसके अलावा एक प्राइवेट जेट भी उसने खरीद रखा था। हानिया को मारना इसराइल का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था जिसमें कई इसराइली नागरिकों को मार गिराया गया और कई को बंधक बना दिया गया। हाल ही में अमेरिकी दौरे पर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, जब तक हमास को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। हालांकि हानिया के खात्मे के बाद दुनिया में तनाव और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है क्योंकि तुर्की और ईरान जैसे देश इसराइल के खिलाफ तनकर खड़े हो गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।